उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर स्कूली बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालक व वाहन संचालकों पर एआरटीओ राजेश कदमबर ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसको लेकर स्कूल संचालक व वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया। यातायात व परिवहन विभाग के नियमों को ताक रखने वाले लगभग 145 वाहनों का चालान किया, जिसको नजर में रखते हुए अब वाहन संचालक एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर गाड़ी की फिटनेस व अन्य कार्य नियम अनुसार कराने लगेंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर हम 23 तारीख से 28 तारीख तक अभियान था, अपितु चूंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो अनफिट ज़्यादा संचालित हो रही थी, ऐसी ऐसी बार बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसके एवज में हम दो दिन से और लगातार अपने स्वतः बढ़ाते हुए कार्य किया, जिसमें लगभग लगभग हमने 145 गाड़ियों के चालान में नियुक्ति कर ली, और इतने बड़े स्तर पर भी कार्रवाई करने के बावजूद भी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी व्हीकल्स स्कूल की प्राइवेट भी चल रही हैं, लोग फिटनेस नहीं करा रहे हैं, गाड़ियों के परमिट नहीं हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां स्कूल में लगी हुई हैं उनका मध्य जो करार हुआ है वो भी ठीक नहीं है, वो आपस में हमने कर लिया और हमारे यहाँ सचिव जो परिवहन प्राधिकरण होते हैं उनके प्रस्तुत भी नहीं किया, क्योंकि हमने इनसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, जब तक आप बताएंगे नहीं कि हमारे और उनके बीच में एक अनुबंध हो गया है और आप आपस में अगर अनुबंध कर लेते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, तो वो इस तरीके की सब है, और बाद में जब लीगल कार्रवाइयाँ होती हैं दुर्घटना होती है तो उस प्रकार आज भी गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं फिटनेस के लिए, हमारे यहाँ देखने में आ रहा है फिटनेस के लिए बहुत गाड़ियाँ आने लगी, हम समस्त खामियों को पूर्ण कराने कर ही कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं हम उसको रास्ते में चालान कर रहे हैं, आज भी हमने 10 गाड़ियों के चालान पर बंद करे हैं, सुखोवा जसरानाथ फिरोजाबाद, चालक के लाइसेंसेस नहीं है लोगों के पास, उनके तरफ सत्यापन भी करा रहे हैं, चालक के लाइसेंस का भी सत्यापन करा रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं उनका ये भी देख रहे हैं, 3 डॉट जरूर लगी होनी चाहिए, 4 कम से कम, जिससे कि पूरी की पूरी जो उसकी विंडो है वो ढक जाए, जिससे कि कोई बच्चा बाहर सर ना निकाल पाए, और बच्चे चूंकि नटखट होते हैं तो सर हाथ वगैरह निकालते ही रहते हैं, बच्चे कभी कभी तो आपस में बाय बाय टाटा करने लगते हैं दूसरे को, वो भी एक इस वजह से है कि बच्चे निकालते हैं यार, वो निकाल ही ना पाए। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।